ए एफ सी एशियन कप में बचे हैं तीन दिन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तीन इंपॉर्टेंट गेम चेंजर जैसे फैक्ट्स के बारे में जिससे कि इंडिया शायद इस टूर्नामेंट से शायद इस पर्टिकुलर एस एशियन कप के ग्रुप स्टेज से बाहर जा सके एंड नॉकआउट राउंड में हम जा पाए फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम एंड भाई साहब इट इज गन बी वेरी अमेजिंग जस्ट इमेजिन करते हैं काफ़ी खुशी फील होती है कि यार देर अ पॉसिबिलिटी कि हम शायद नॉकआउट्स में खेल पाए बट देन अगेन हम यहाँ पे सुनते हैं हम जाने की कोशिश करते हैं कि इगोस टीम ने क्या बोला सबसे पहले बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो उनके ओपिनियन में ये जो हमारी इंडिया फुटबॉल टीम है अभी पीपल हैव बीन सेइंग कि हम एक

इंप्रूवमेंट होगा एंड वी हैव टू रियलाइज कि हम अभी कहाँ हैं सो नोइंग दैट ईगोस्टिमास ने जो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं उनमें से एक जो बहुत सही बात उन्होंने बोली ना वो ये था कि दिस टूर्नामेंट इज ऑल अबाउट लर्निंग इज अबाउट गेटिंग द एक्सपीरियंस और इन इंपॉर्टेंट मैचेस को फेस करने से आगे जो वर्ल्ड कप के हमारे जो सेकेंड राउंड के मैचेज हैं उनमें हमें काफी बेनिफिट मिलेगा तो मतलब चाहे जो भी हो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में उन्होंने कहा कि भाई प्लेयर्स को रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है दे हैव टू गो आउट एंड गिव अ फाइट ओवर देयर और इससे हम जो भी सीखेंगे इससे हमें हेल्प मिलेगी फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के थर्ड राउंड में जाने के लिए सो येस ही टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट को इन्जॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है इवन प्लेयर्स आर आउट देयर दे शुड हैव फन इसके बाद उन्होंने दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट बोली और जिसके बारे में बात करेंगे आप वीडियो में गेट एक्सपीरियंस वाला पार्ट एक हो गया कीप द शेप टाइट उन्होंने इस बात को दो से तीन बार बोल रखा है कि हमें अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा हमें अपने कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन करना होगा सेट पीसेस को डिफेंड करना होगा और एक बात उन्होंने और बोली वो थी अटैकिंग ट्रांजिशन सो इससे आइडिया लगता है कि स्टीमैच और सिंक्लेर सर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं क्या थॉट प्रोसेस है उनकी क्या सोच विचार है उनकी विद द टीम ऑफ इंडिया नोविंग के सामने वाला ओपोनेंट हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है उन्होंने एक और बात बोली कि हम पुटिंग नो प्रेशर ऑन माई प्लेयर्स एंड वी विल गो आउट देयर एन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें गेम कैसे स्टार्ट करना है ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना रहता है हर एक फुटबॉल मैच में तो मैच चाहते हैं हम, हम, हम सफर और स्ट्रगल कर सकते हैं सो so अब यहाँ पे आती है वो तीन इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग बातें क्या हो सकती है वो? सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग टैक्टिक्स नंबर वन देन हमारा लाइनअप पर गेम में क्या होगा और तीसरा होगा फैन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फैंस का सपोर्ट यहाँ पे सो एक एक करके

भाई कौन किसकी क्या खामिया क्या खामियां हैं और उट करोगे तो आप उसको आइडिया लग जाएगा टीम्स के बारे में सो बाकी अब हमारा अप्रोच क्या होगा टैक्टिकली देखो एक सिंपल सी गलती देखो गलतियां तो हो जाती हैं यार गलती तुम नहीं अवॉइड कर सकते गलती टैक्टिक्स का पार्ट नहीं है तुम कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो अगर आपसे एक पास मिसप्लेस हुआ अगर आपने एक टैकल अच्छे से नहीं मार पाए अगर आपने एक लूज पास किया अगर आप प्रेसिंग ट्रैप में फंस गए हो तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना यार फिर तो वो अपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने के हैं बट आप अगर अपने एरर्स को मिस्टेक्स को किनारे रख दो सो so आप अपने पार्ट से क्या सही कर सकते हो आई वॉन्ट एवरी प्लेयर टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले विथ देयर फोकस बहुत ख़राब बात थी यार कि इंडिया चाइना के साथ एक फ्रेंडली अरेंज कर रही थी बट बिकॉज आईएसएल के फिक्सर्स ऑलरेडी रनिंग थे तो हमने वो फ्रेंडली हटा दिया इट वुड वुडा बीन वेरी गुड फॉर इंडिया टू प्ले दैट फ्रेंडली बट अभी लेट्स मूव अहेड ऑफ दैट भूल जाते उन बातों को आई एम पर्टिकुलरली श्योर की इंडिया प्रिपेयर कर रही है गिवन दी ऑपोजिशन दे है जॉब अभी इस पॉइंट टाइम पे वॉट यू कैन थिंक क्या इंडिया का अप्रोच होगा कई लोग कह रहे हैं कि यार आ, वी कैन गो प्ले अ हराम बॉल फुटबॉल हराम बॉल फुटबॉल क्या होता है भाई एकदम सिटबैक करना अपने बॉक्स में बैठ जाना भाई छह सात लोगों को भाई बॉक्स में भर लेना एंड देन अपोजिशन जितने अटैक करे उनको डिफेंड करने की कोशिश करना और देन ट्राई टू तो हिट दम ऑन द दे काउंटर्स देखो इसको हराम बॉल बोल के लोग ना काफी ज्यादा नेगेट कर दिए इस स्टाइल ऑफ प्ले को ये एक्चुअली बुरी नहीं है और अक्सर छोटी टीम जो होती है ना दे ट्राई टू प्ले दिस वे बिकॉज उनको पता है कि दे कांट कंट्रोल द बॉल तुम सही मामले में क्या तुम ये हैंड टू हार्ट कह सकते हो कि इंडिया विल कीप द बॉल अगेंस्ट उजबेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता है कि वी विल बी एबल टू रन द गेम और कंट्रोल द गेम आई नो वी डू हैव ग्रेट प्लेयर्स लाइक अपूया सुरेश थापा इन द टीम जो कि चाहें तो भाई ये चीज़ कर सकते हैं बट तुम्हें लगता है रेली में ये हमारा अप्रोच होना चाहिए भाई प्रागमाटिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुटबॉल एंड समाइम्स यू हैव टू रियलाइज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन वर्ल्ड फुटबॉल वो बनते ही है ऐसे हैं जब वो वो प्रागमेटिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई होसे मोरिनी बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का इवन पेप गोडियोला ने प्रागमेटिक होकर डिफेंडिंग करी है बान के अगेंस्ट मॉडरिट के अगेंस्ट सेट बैक

डेज इंदा टीम अब तुम देख रहे हो यहां पर मिडफील्ड में मैंने अपूया और सुरेश को खिलाया मैंने यहाँ पे थापा को खिलाया नहीं है एंड आई बिलीव की सुरेश की जो इंटेंसिटी है उसकी प्रेस करने की उसकी रिकवरी करने की उसकी जो बॉक्स टू बॉक्स टेंडेंसी है आई थिंक ही इज ऑल्सो गुड पासर ऑफ द बॉल एंड प्रेस रिजिलियट है बंदा तो आई थिंक इसको खेलना बनता है पिछले मैचेस अगर आप इंडिया के देख रहे हो गए तो पार्टनरशिप हमारी रही है मिडफील्ड की वो अपूिया और सुरेश की ही रही है डिफेंस की अगर जहां तक बात है भाई निखिल पुजारी जो कि वन वी वंस में ही इज नॉट द बेस्ट फुल बैक फॉर एस बट ही हैज डन द जॉब ही हैज बिन सॉलिड जितने मैचेस हमने खेले इन्होंने कोई ऐसी विजिबल गलती नहीं की है कभी कभी-कभार कैच हुए हैं थोड़ी मिस्टेक करते हुए बट बट आई बिलीव इन द गाय आई बिलीव की ही कैन डू द जॉब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रीतम कोटाल का हु कैन ऑल्सो प्ले ही विल हैव अ गुड इंपैक्ट मेरे ओपिनियन में बट मैं निखिल के साथ जाना चाहूंगा डिफेंस में हमारे पास वी विल बी मिसिंग अनवर अली यार बहुत बड़ा मिस होगा सो राहुल बेखे कम सेन एंड आकाश मिश्रा अब लोग कहेंगे भाई अगर डिफेंसिव ही खेलना है तो बोस को खिला दो बट डोंट थिंक कि अगर एक प्लेयर फिजिकली फिट है या लंबा चौड़ा है तो वो डिफेंडिंग में भी अच्छा होगा नथिंग अगेंस्ट बोस यहां आई थिंक ही इज मच मोर कंफर्टेबल प्लेइंग एज अ थर्ड सेंटर बैक राधा देन अ लेफ्ट बैक एंड क्योंकि हमें गेम में ट्रांजिशन करना होगा रिमेंबर इगोस्टिमास ने क्या कहा अटैकिंग ट्रांजिशन तो वो जो ट्रांजिशन है उसमें आकाश की पेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा जब हम बॉल विन करेंगे एंड हम बॉल विन करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट इंस्टांस होगा वो होगा क्विकली ऑफेंस के लिए ट्रांजिशन करना ट्रांजिशन मतलब क्या होता है अपना डिफेंसिव फॉर्मेट को चेंज करना अटैकिंग फॉर्मेट में और बहुत ही क्विकली तो उसके लिए हमें आकाश के पेस की, की जरूरत पड़ेगी अब तुम तो एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे मैंने मनवीर को खिलाया चांकटे को नहीं खिलाया एंड दिस इज माई अप्रोच फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भाई हमारा जो प्राइम मोटिव है कि भाई गोल तो मत खाओ तो उसके लिए बिकॉज मनवीर के पास राइट हैंड साइड से डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स हैं वो ट्रैक बैक करके वो बैक फाइव भी बना लेते हैं वो हेल्प करते हैं रिकवरी में गुड

सुरेश विल प्ले दे पार्ट अब टॉप सुनील क्षेत्री रहेंगे इज़ इसकी सेकेंड हाफ में आई वॉन्ट थिंग्स टू चेंज सेकेंड हाफ में भाई इट वुड बी अबाउट द सब्सिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे पिच पे चांगटे हैं लेस्टिन कोलासो है आई वुड वॉन्ट डीज टू गैस टू कम आउट बिकॉज सेकंड हाफ में जो भी टीम है लेट्स से कि अगर हमने जीरो जीरो रख रखा ऑस्ट्रेलिया रख उस बेग के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में दिल वी थ्रोइंग नंबर्स एट अस वो चढ़ेंगे हमारे ऊपर तो हमें वो डिस्परेट होंगे थोड़ा सा तो हमें उन्हीं की डिस्परेशन का उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करना है बिकॉज दे विल थ्रो नंबर्स स्पेसिस खोलेंगे उनकी फ्लैग्स पे वहीं पर जो भी बॉल रिकवरी होगी वो हिट करेंगे वो क्रॉसेस डालेंगे वो चढ़ेंगे वो ट्राइंगल्स बनाएंगे हमारे अगेंस्ट वो वन टच पासिस करेंगे बट हमें इस

डाउन करना पड़ेगा हमें अपने आई वॉन्ट टॉप इवन छेत्री को नब्बे we'll मिनट तक फुटबॉल नहीं खेलने चाहिए जो भी हो जैसा भी हो सुनील छेत्री को हमें तीनों मैच में आगे वाले मैचे में भी खिलाना है सो so, भाई नब्बे मिनट सुनील छेत्री नहीं खेलेंगे वी रियली वुड होप कि ईशान तो पंडित आ जाए या तो मनवीर आ जाए वी रियली हैव गॉट गुड ऑप्शन फ्रॉम द बेंच हमारे पास Uh, राहुल के पी है विक्रम प्रताप सिंह है जो कि बेंच से आके आपको वो एक मच मोर नीडेड एनर्जी दे सकते हैं एंड पेस के लिए ऑब्वियसली फटने के लिए आप पास लिस्टिन क्लासो और चांगटे की पेस रहेगी वी हैव टू वी हैव टू ओवरलोड वेन एवर वी अटैक लेजी एटीट्यूड नहीं होगा हर बंदा भागेगा भले ही वो ट्रैक बैक करें अपोजिशन काउंटर कर रहा है ट्रैक बैक करने के लिए पीछे भागना है यू हैव टू डू दैट रियली मैटर यू आर और अटैक करते टाइम अगर एक बॉल ब्रांडर ने ऊपर फेंक दी चांटे को और चांगटे रन पे हैं आई वॉन्ट द प्लेयर्स टू रन खुद के तरीके से बॉक्स में जोन फोर्टीन में ओवरलोड करने के लिए बिकॉज विल बी एन ओपनिंग इसके बाद देर इज एक अलग वे ऑफ सेटिंग अप एंड मुझे पता नहीं आई डोंट फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट बट मुझे बताना आप लोग भी डी यू थिंक क्या हो सकता है कि इगोस्टी मैच मैच पर मैच अपने इलेवन को बदले डी यू वॉन्ट टू गो विद द विस्टम एंड स्टिक टू इट इन ऑल ऑफ द गेम्स या फिर आप चाहते हो गेम टू गेम हम अडेप्ट करें बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज डिफर टू इज बैक एंड दे आर डिफरेंट टू सीरिया अब सीरिया के अगेंस्ट आई एक्सपेक्ट अस टू कीप द बॉल तो हो सकता है उसमें लाइनअप मैं चेंज करूँ थोड़ा सा उसमें हो सकता है मैं थापा को भी खिलाने की कोशिश करूं यहां पर सहल आ जाएंगे तब तक उस मैच में बट देर इज़ अ बैक थ्री ऑप्शन इज वेल टू स्पेसली टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ज्यादा बोमबार्ड करेगी एंड वेन वी प्ले इन अ बैक थ्री तो बोस झिंगन और राहुल बैक थ्री बना सकते हैं मनवीर को एज अ राइट विंग बैक हम खिला सकते हैं जो कि मोहन बगान पर वो जनरली खेले हैं इंडिया के लिए भी काफी बार वो खेल चुके हैं एंड वी कैन फॉर्म अप बैक फाइव विथ महेश और यहाँ पे आप इवन आकाश मिश्रा को खिला सकते हो मुंबई के लिए लेटली वो बैक फाइव में खेल रखे हैं तो यहाँ पे आकाश के साथ या महेश जो भी वी विल फॉर्म अ सॉलिड बैक फाइव एंड इससे क्या होगा विल हैव मिडफील्डर्स हु कैन कंडेंस दिस एरिया कॉम्पैक्ट दिस एरिया एंड भाई हमें एक अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा सो दिस वॉज अनदर आइडिया जिसमें कि हम जा सकते हैं बट गा इसका मॉडल ये जो पार्ट है ना जब अपोजिशन नंबर्स थ्रो करेगा हमारे ऊपर उनके फुल बैक चढ़ेंगे उनके विंगर्स इन इन साइड आएंगे आई डोंट एक्सपेक्ट आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ आर डिफेंडर्स टू मेक एनी कांड ऑफ मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टीम में प्लेयर होगा वह होगा अपूया अपूया के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा बिकॉज ही विल बी द फर्स्ट गाय जो कि डिफेंसिव बॉल रिसीव करेगा या फिर ही विल बी द गाय जो कि बॉल विन करने वाला है एंड जैसे अपुया को बॉल विन होती है जैसे वो बॉल रिकवर करता है आई वॉन्ट पीपल टू मूव अराउंड हिम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होना चाहिए पिच पे मूवमेंट हम लेजी नहीं होंगे हम स्टैगनेट फुटबॉल नहीं खेलेंगे हम होप नहीं करेंगे कि भाई अच्छा चलो उसके पास बॉल है लेट सी वॉट डू हम अपने आप को फ्री करेंगे हम फटेंगे हम खुलेंगे स्पेसेस में सो so दैट उसको ऑप्शन मिले ताकि वो मुझे यूज़ कर पाए भाई कई बार ऐसा होता है मैं बिलीव बिलीव मी बिलीव मी यार ये या होता है कई बार आप पिच पिछप नर्वस हो जाते हो एंड यू वांट टू हाइड अवे कि नहीं भाई ठीक है यार रुको तो देखते हैं वॉट ही कैन डू नहीं आई वॉन्ट द प्लेस टू वॉन्ट द बॉल जब भी हम भाई रिकवरी करें वी गेट द बॉल अपूया पास बॉल हो या सुरेश पास बॉल हो आ वॉन्ट देर शुड बी मूवमेंट्स ब्रांडन खोले महेश खोले स्पेसिस में चौथे रन डालें सो दैट वी कैन कन्वे द बॉल अच्छे से प्रोपागेट कर पाए हम और वर्टिकलिटी जरूरी है और लास्टली जो एक पार्ट है जो मुझे फैंस के परस्पेक्टिव में बोलना है गाइस पहली बात तो लाइनअप आते ना अपने ओपिनियंस ऐसे जज मत करने लग जाना मतलब दो ओपिनियन ठीक है अच्छी बात है ओपिनियन आपके भाई कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए बट इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीविंग इन योर टीम जो भी सेलेक्शन ईगोस्टिमास्टिक किया होगा सोच समझ के करेगा यार वो हवा में ऐसे नहीं भाई इनकी पिंकी पोंकी नहीं करने वाले हैं यार वो सोच समझ के वो इलेवन लाएंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये इलेवन में ये प्लेयर क्यों हैं या कोई टैक्टिकल सेटअप में चेंज है तो वो क्यों है नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछिएगा हम, हम रिव्यू में डेफिनेटली उसको बताने की कोशिश करेंगे टू आर बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी एंड गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है तो यू नो जस्ट कीप दैट इन योर हार्ट एंड योर माइंड कि यू नो थिंग्स कैन बी बैड बट इससे आपको यू नो सैड फील नहीं करना है डिसहार्टेंड फील नहीं करना है यू नो यू वुड बी लर्निंग अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स प्लेंग इन दिस टॉप टूर्नामेंट और इससे आपको आगे वाले टूर्नामेंट से काफी हेल्प मिलेगी सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए यहाँ पे एंड फैंस के लिए आई वु लाइक है कि ट्रस्ट इन द टीम बिलीव एंड टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट द कोच डज और मिड गेम चेंजेस जो वो करते हैं लेट से की वो ऐसे प्लेयर को खिलाते हैं जो कि आप शायद उनको देखना नहीं चाहते हो सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग लेट सी की वोट दट गाइड डज ऑन द पिच एंड ऑब्वियस यार मैच रिएक्शन तो होता ही होता है यार गुस्से में तो बातें कह ही जाती है कोई दिक्कत नहीं यार सब होगा कोई दिक्कत नहीं चंगा है यार आई होप कि ये थोड़ा सा एक ट्रैक्टिकल इनसाइड ऑफ द गेम आप लोग को अच्छी लगी डू लेट मी नो योर ओपिनियंस एंड योर प्रिफर्ड इलेवन जरूर से मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में स्पैम करेंगे ब्लीड ब्लू एंड जय हिंद थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में तब तो तक टेक केयर एंड पीस आउट